ईएमआरएस की तरफ से एक परेशान करने वाला नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया वो है, यहाँ पर 24 दिसंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था टीजीटी मिसलेनियस का, वो पेपर कैंसिल कर दिया गया। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे बार बार ये पूछ रहे हैं कि सबको पेपर देना है, जो प्रयागराज के 146001 वाले जो है सेंटर में अपीयर हुए थे, जी हाँ, तो सबको ये पेपर नहीं देना है, केवल फर्स्ट शिफ्ट में टीजीटी मिसलेनियस में जो बच्चे बैठे थे सिर्फ उन्हीं को ये पेपर देने का मौका दिया जाएगा। पेपर 31 तारीख को कंडक्ट होगा, 9 बजे से 12 बजे के बीच में। कहाँ पर होगा? आर्मी पब्लिक स्कूल न्यू कैंट प्रयागराज में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आप लोग अपने एडमिट कार्ड जो है आज के दिन से 29 तारीख से डाउनलोड कर सकते हैं और अप्रोच कर सकते हैं 31 दिसंबर को 9 बजे। तो 1.5 घंटा पहले जो है दरवाजे खुल जाते हैं, तो आप कोशिश करेंगे कम से कम समय पर वहां पर पहुंचे, तो ये चीज आप ध्यान में रख सकते हैं। बिल्कुल नोटिस आहत करने वाला है, क्योंकि इस कैंसिलेशन और रीएग्जामिनेशन के पीछे कहीं ना कहीं इस चीज की क्लैरिटी तो यहाँ पर आयोग ने दे दी है कि एग्जामिनेशन में कुछ गड़बड़ी बिल्कुल थी, जो कि नोटिफिकेशन में बकायदा लिखा भी गया कि डिस्टर्बेंस बाय सम ऑफ द कैंडिडेट्स। तो इस चीज को थोड़ा सा सीरियसली लेने की जरूरत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो जो ये माहौल है या फिर जो कैंडिडेट्स का डिस्टर्बेंस वाला समस्या है केवल प्रयागराज वाले सेंटर पे हुआ है, बहुत जगहों पर हुआ है जहां पर कि पता भी नहीं है। जैसे कि पेपर की बात करें तो उस दिन भी बच्चों ने काफी कंप्लेन किया कि भाई पेपर जो है आधा घंटा 20 मिनट देरी से दिए गए थे। तो अथॉरिटीज कैसे काम कर रही हैं, स्कूल की और प्रशासन की क्या जिम्मेदारी बनती है, उसको रीचेक करने की काफी ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जो नुकसान यहाँ पर होता है वो कैंडिडेट्स का होता है जिसकी भरपाई कर पाना मुश्किल है। अब जिनका पेपर कैंसिल हुआ है उन्होंने कितनी मेहनत की थी, जिनको दोबारा से मौका दिया जा रहा है अब उनके लिए परेशानी वाली बात है, हो सकता है कि वो रिजल्ट ओरिएंटेशन फिर दोबारा ना पाए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर जो है एक समस्या का सबब है। हालांकि खत्म होती बात यह है कि प्रशासन अपना काम कर रहा है और हमें अपना काम करने की बहुत आवश्यकता है। ऐसे में बहुत जरूरत है कि समय पर पहुंचे। अभी दोबारा जिनको मौका दिया गया है गलतियों को पहचान करके उसके ऊपर जो है आपको काम करने की आवश्यकता है। तो एडमिट कार्ड को समय पर डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई सवाल होगा तो जरूर पूछेगा। सबको नहीं देना है, केवल फर्स्ट शिफ्ट के बच्चों को पेपर ये देना है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।